हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश है। सो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि SAP GUI का अगर आपको पैच आपको डाउनलोड करना है, आपको कोई GUI में एरर आ रहे हैं जिसमें आपको जो है नोट्स में आपको ये बता रहा है कि आपको पैच अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। सो आपको पैच आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? सो फर्स्ट मैं आपको जो है सेम SAP सपोर्ट पोर्टल पे हमें जाना होगा, SAP सपोर्ट पोर्टल से। एंड यहाँ पे हम आप जाओगे सॉफ्टवेयर एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अपने एस यूजर आईडी से। अगर आपको एस यूजर आईडी से लॉगिन कैसे करते हैं, क्या होता है एस यूजर आईडी, सो आप मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। एंड आपको पता है तो बहुत अच्छा। एंड आप लॉगिन करोगे एंड आपको आना है सपोर्ट एंड पैकेज एंड पैचेज वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करना है आपको। एंड देन आपको जाना है बाय कैटेगरी में, इसको एक्सपेंड करोगे आप एंड स्क्रॉल डाउन करोगे आप, यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको दिखेगा SAP फ्रंट एंड कंपोनेंट के नाम से। सो आप इस पर क्लिक करोगे, सो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा SAP GUI फॉर विंडोज। एंड आपको 7.70 के लिए कोई भी पैच चाहिए तो आप उस पर आप ओपन करोगे उसको, एंड यहाँ से आप देख पा रहे हो जो भी पैच है, आप यहाँ से आप पैच GUI 13, 11, 10 जो भी आपके नोट के अकॉर्डिंग जो भी आपको आपके पैच रिक्वायरमेंट है, सो आप यहाँ पे जो है आप उसको डाउनलोड कर क्लिक करोगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।